भी एक एक कंकरी मार देते, अगर एक एक थप्पड़ मार देते, एक एक जूता फेंकते इसकी तरफ, ये तबाह हो जाता। एक उबैदुल्ला, एक उबैदुल्ला तबाह हो जाता, लेकिन दहशतजदा कौम से जूता उठता नहीं। अब इंतफाजा जूता शुरू हुआ है, फलस्तीन से इंतफाजा संग शुरू हुआ था, पत्थर का इंतफाजा, इराक से इंतफाजा संग शुरू हुआ। ये बहुत अजीम इंसान है मुंतजर अज़हदी, दो शहीदों का भाई है, इसके खानदान के कई शहीद हैं, रहने वाला सदर कॉलोनी का है, बगदाद के अंदर एक मदीना तो सदर है, खबरों में जिसका जिक्र बहुत सुनते हैं, आए दिन जिस पर बमबारी होती है। ये मैगजीन अगर एक दो दिन में आ जाए, इसके अंदर कुछ इनका डेटा आया हुआ है, लिखा है इसके अंदर। अजीम काम किया उसने, वो काम जो न बम कर सकता है, न ग्रेनेड कर सकता है, न गोली कर सकती है, बहुत अजीम काम किया। आप कह लेंगे इराकियों के तमाम आमाल को उसने एक दफा धो दिया, ये काम जो इस शख्स ने किया है हजार मुजाहिदों के काम के बराबर है। उसने हकीकी हज, हज अकबर किया है इस शख्स ने, सीमेंट के सुतून को कंकरी मारना बहुत आसान है, जिंदा जल्लाद और शैतान बुजुर्ग को जूता मारना उसने एक नया तरीका मुबारजे का सिखा दिया पूरी दुनिया को कि यह भी एक तरीका है। और यकीन जान लें कि यह खुदा ने, यह जुनूद खुदा में से अल्लाह का सिपाही है, यह अल्लाह का सिपाही है, इसने ये खुद नहीं किया, इससे यह काम करवाया गया है, अल्लाह ने लिया इससे यह काम। इससे सिर्फ यूनी के एक जूता एक शख्स की तरफ फेंका गया है, बल्कि एक शैतानी इंपरातूरी नाबूद हुई है। मुंतजिर ने वो जिससे करजई और करजई जैसे और बहुत सारे जिसके जूते पॉलिश करते हैं, जिसके जूतों को पॉलिश करना अपने लिए फख्र समझते हैं, जिसने आलमी हुकूमत का ख्वाब देखा हुआ है, जिसके एक टेलीफोन से बड़े बड़े जर्नल नरस जाते हैं, मुंतजर ने जाकर पूरी दुनिया को बता दिया कि तुम्हारा ये शैतानी पावर, ये सुपर पावर तुम्हारी मेरे जूते की नोक पर है। ये पैगाम है उसका। और अगर कोई मुंतजर बनना चाहे मुश्किल नहीं है, उसे अंदाजा था कि इस जूते का खुमियाजा क्या है, लेकिन जिसको पसलियां अजीज हो वो जूता नहीं फेंक सकता, जिसे सर अजीज हो वो जूता नहीं फेंक सकता, जो सर हाथ पे रख ले उसके लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है उसके लिए। उसने कुरान समझ लिया, उसे मालूम था कि जालिम को जो न रोके वो जालिम के साथ है, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है।